जिला ऊना में खनन को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन पुलिस खनन के खिलाफ सख्त कार्यवाही का दावा कर रही है। जिला ऊना में खनन के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की बात की जाए तो वर्ष 2018 में ऊना पुलिस ने 310 वाहनों जिसमें से 100 टिप्पर, 22 ट्रक, 174 ट्रैक्टर और 14 जेसीबी को खनन नियमों को ठेंगा दिखाने के खिलाफ कार्यवाही करते हुए करीब 28,37,000 रुपए जुर्माना वसूला था। वहीं वर्ष 2019 में पुलिस ने खनन के 2018 के मुकाबले दोगुने चालान किए और जुर्माने भी वसूले। 2019 में ऊना पुलिस ने 507 वाहनों को खनन नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़ा और उनमें से करीब 45,51,000 रुपए के जुर्माने वसूले गए। ऊना में एसपी का पदभार संभालने वाले कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने वर्ष 2020 में भी खनन के खिलाफ सख्ती से निपटने का दावा किया है। एसपी कार्तिकेयन ने बताया कि एक सप्ताह में ऊना पुलिस ने 3 दर्जन वाहनों के चालान करके करीब 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। पुलिस ने इस माइनिंग के खिलाफ कई सालों से कार्रवाई करते रहे, पुलिस करते रही है। तो 2018 में तकरीबन 300 केसेस या 300 चालान पुलिस ने करवाया था और सिमिलरली 2019 में एक 500 के करीब चालान पुलिस ने किया था। तो इसी ट्रेंड को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा यही एफर्ट रहेगा कि जो भी इलीगल माइनिंग हो रहा है और जो भी गाड़ियां ये ट्रक्स जो ले जा रहे हैं, जिनका परमिट या एम फॉर्म ठीक नहीं है और जिनका वेट ट्रक्स का वेट ज़्यादा है या ट्रक्स मॉडिफाइड है, इनके खिलाफ एक्शन चलते रहेगी और ये माइनिंग के का प्रॉब्लम जो है इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके हम। स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो तकरीबन 30 लाख के आसपास चलान किया है पुलिस ने 2018 में, उसी तरह 2019 में 45 लाख के आसपास चलान किया है और पिछले एक दो हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 लाख का भी चलान किया है पुलिस ने। तो ये एफर्ट चलते रहेगी आगे भी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।